हेलो फ्रेंड्स, दीप्ति के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, एक नए दवा के बारे में जानकारी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओटी केयर दवा, जो कि खास तौर पर कान की प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाने वाली सेफ दवा है। इस दवा का इस्तेमाल खास तौर से कानों में संक्रमण होने पर, कान में पानी चले जाने पर, या कान में से सुनने आवाज़ आने पर या कान सुन्न हो जाने पर आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करना है, और क्योंकि हो सकता है कि आपके कान में इन्फेक्शन का कारण कान के पर्दे में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाना, या फिर कान के पर्दे में छेद होने की वजह से भी कान बहने और कान बजने की समस्या से आपको जूझना पड़ता है। लेकिन अगर आपके कान में नॉर्मल पानी चला गया है या फिर कान में किसी तरीके का हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप ओटी केयर दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास अपने कान का मैल साफ कराने जाते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर आपके कान के अंदर इस दवा को 2 से 3 दिन तक लगातार डालने की सलाह देते हैं, ताकि कान में जो आपकी सफाई की गई थी वो उस पानी की वजह से आपके कान के अंदर कोई सड़न पैदा ना हो। तो अगर कान में पानी चला गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो ये दवा बहुत बेहतर काम करती है आपकी कान की प्रॉब्लम के लिए। आपने इसे कैसे लेना है? आपने इसे 3 बार लेना है। इसे इसकी अधिकतम अवधि क्या है, आप इसे कब तक कानों में डाल सकते हैं? दिन में 3 बार आपने इसे कान में डालना है, मतलब कि एक डे में आप सुबह, दोपहर और शाम इसे डाल सकते हैं कान में, और 3-3 ड्रॉप आपने 3 टाइम डालना है, 7 दिन तक लगातार डालना है, ठीक है। अगर 7 दिन के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सही नहीं होती है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर 7 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो ठीक है। ओटी केयर दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसे अगर आप दूसरी दवाओं के साथ लेते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरी तरीके की कोई बीमारी है और आप कोई दूसरी दवा उस बीमारी में ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह से इस ड्रॉप का इस्तेमाल करें। इस ड्रॉप के कुछ लोगों पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे कि अगर आपने इस ड्रॉप को लेने के बाद खांसी आती है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, शुगर हाई हो गया है, आपकी त्वचा में स्कार्स हो रहे हैं, हाई शुगर हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, आपने उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि झुनझुनी आपने बहुत जल्दी जल्दी झुनझुनी सी चढ़ रही है, चक्कर आ रहा है, तो अगर किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो इस ड्रॉप का इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दे। हालांकि इसे जब मैंने इस्तेमाल किया, तो मैंने किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा। हालांकि मैं इसके साथ कोई अदर दवा का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छी दवा है, और सचमुच इसने 3 दिन में ही मेरे कान के अंदर जो पानी चला गया था, उसका इन्फेक्शन इस दवा ने ठीक कर दिया है। इसकी आप प्राइस जानना चाहेंगे, तो इसकी प्राइस की बात करें, तो यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 रुपये इस दवा की प्राइस है, 70 रुपये प्राइस है। मैंने इसे 3 दिन यूज़ किया, 3 दिन में इस दवा ने काम करना शुरू कर दिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन यूज़ कीजिए, और अगर तब भी प्रॉब्लम नहीं सही होती है, तो चिकित्सक की सलाह से आप दूसरी ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स ओटी केयर दवा के बारे में 100% सही और ऑनेस्ट रिव्यू। और अगर आपको किसी और भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, या आपको किसी और दवा के बारे में अच्छे तरीके से जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कौन सी दवा आपने किस तरीके से लेनी है, और किस चीज़ के साथ आपको कौन सी दवा नहीं लेनी है, आपके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं किसी दवा को लेने से, उसके क्या कारण हैं, और किस तरीके से आप उस साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। हर तरह की दवा के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी फ्रेंड्स। तो आप लोग हमेशा हेल्दी रहिए, ठीक रहिए, खुश रहिए, यही मेरी ऐसी कामना करती हूँ। और इसी तरीके के और भी प्रोडक्ट्स के 100% ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।